अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ ग्रीन वेजिटेबल पुलाव। इसे बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी कुकर, लेके स्टोव ऑन कर ली हूँ, कुकर रखी हूँ। अभी मैं ऐड करूँगी ऑयल। तेल गर्म होते ही मैं इसमें ऐड करूँगी सारे खड़े मसालों को। सारे खड़े मसालों को डाल ली हूँ। अब मैं ऐड करूँगी ऑनियंस, बारीक से स्लाइसेस कट कर ली हूँ ऑनियंस को। ऑनियंस को ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। हमारे ऑनियंस अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अभी मैं ऐड करूँगी ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी मतलब इसमें ना लेमन, दही कुछ भी ऐड नहीं करी हूँ, बस कोरिएंडर, जिंजर, गार्लिक और थोड़ा सा पुदीना, ग्रीन चिलीज इतना ही ऐड करी हूँ। इसको अच्छे से भून लेना है। अभी मैं डालूंगी थोड़ा सा साल्ट और हल्दी। थोड़ा सा साल्ट, और हल्दी। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाली हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऑयल को साइड्स में आने तक हमें मसाले को अच्छे से भूनना है। अभी मैं ऐड करूंगी वेजिटेबल्स को, कैरेट और बीन्स, मटर और फिर आलू। इन सबको अच्छे से सौते करना है मसाले में। अभी मैं डालूंगी विस्क की हुई दही को। इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं ऐड करूंगी शिमला मिर्च। मैं कैबेज और कॉलीफ्लावर को ऐड नहीं करी हूँ। आपकी पसंद है तो आप कोई भी वेजिटेबल को ऐड कर सकते हो। मैं बीन्स, कैरेट, मटर, आलू को ही ऐड करी हूँ। कैप्सिकम, आपकी पसंद के वेजिटेबल्स को आप ऐड कर लीजिए। अभी नेक्स्ट मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। पहले से ही मैं राइस को धो के रख ली हूँ। आप चाहे तो बासमती राइस को भी यूज़ कर सकते हो। मैं नॉर्मल राइस यूज़ करती हूँ। इन सबको एक बार मिक्स कर लेते हैं। साल्ट कम या ज़्यादा हो तो नमक को एडजस्ट कर लेना इसी टाइम पे। इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। फाइनली मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। थोड़ा सा गरम मसाला। बिरयानी, ग्रीन बिरयानी बनो, रेड बिरयानी बनो, कोई भी कलर की बनाओ, गरम मसाला तो डालना ही पड़ेगा। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अभी मैं लिड क्लोज करती हूँ। 2-3 विजल्स आने तक इसको वेट करते हैं। 3 विजल्स आ गए हैं। कुकर हमारा ठंडा भी हो गया है। हमारी बिरयानी रेडी हो गई है। मैं फाइनली इसमें डालूंगी लेमन, एक ऑफ लेमन को मैं स्क्वीज करती हूँ।
इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और फिर मैं बताना भूल गई थी, इसमें एक गिलास चावल के लिए 2 गिलास पानी ली हूँ मैं। अब जितना भी चाहिए इसी तरह से मेज़र करके डाल लेना, आपकी बिरयानी भी इस तरह से एकदम परफेक्ट बनेगी। ग्रीन वेज पुलाव रेडी हो गए हैं, इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। आज की हमारी ग्रीन वेज पुलाव तो रेडी हो गया है। मैं इसको पुदीना और कोकोनट चटनी के साथ और प्लेन दही के साथ सर्व, एकदम सिंपल और इजी रेसिपी है ये। इसको आपने ब्रेकफास्ट के लिए, लंच में, डिनर में या टिफ़िन बॉक्स पैक करने में कभी भी आप इजी से कुकर में आसानी से बना सकते हो। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। सिंपल और इजी रेसिपीज के लिए फॉलो कीजिए यूके हेल्थ ब्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।